तो संघर्ष से घबराए नहीं, आगे आगे जो आपका भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बता रहे भारत की समसामयिकी देखिएगा। डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली, बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा, डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का, यानी बाढ़ के परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट करने वाला डिजिटल राज्य कौन सा है? असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है। नरेंद्र शर्मा, नवीन बिल्कुल सही है, हर घर में जल वाला राज्य फर्स्ट नंबर गोवा है, तेलंगाना, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा है? पांडिचेरी। देखिएगा, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड बिल्कुल क्लियर है। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड बिल्कुल। तो देखिए, डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला राज्य, तो आप लोगों ने सभी ने सही बताया, असम को बताया। असम, अब असम जो है ना, वो आपका यहां पे ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रभाव अधिक है यहां पे। मेघालय मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है, मिजोरम में सर्वाधिक वन एवं आदिवासी है, नागालैंड में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है, वृद्धि दर सबसे ज्यादा आपकी है मेघालय में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल आपका सांगपो के नाम से, सांगपो, मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, तिब्बत, और यहां से आकर के यह तिब्बत में बहती है और तिब्बत के बाद अरुणाचल में प्रवेश करती है, अरुणाचल, अरुणाचल के बाद असम तक अरुणाचल, यहां पर इसका नाम क्या होता है? ब्रह्मपुत्र, और बाद में असम, माजुली द्वीप, बाद में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, डेल्टा सुंदरवन, पंजाब सुंदरवन, कौन सा सुंदरवन आपका कहां पर है? बंगाल, बांग्लादेश में गंगा में विलय, यह है दोस्तों। अब आप आ जाइए, एक बार मैंने बोला डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम है। असम में क्या, ब्रह्मपुत्र नदी है ना, उसके कारण बाढ़ ज्यादा आती है, ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बाढ़ ज्यादा आती है। अब अर्थात मैंने ब्रह्मपुत्र नदी बता दिया कि सांगपो, ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है वो सांगपो के नाम से, किसके नाम से? सांगपो, सांगपो के नाम से मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। कहां से निकलती है? मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, और मानसरोवर तिब्बत से निकल करके तिब्बत में बहती है, बाद में हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, बाद में अरुणाचल के आगे आकर के इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। बाद में असम में इसमें माजुली द्वीप बना हुआ है, माजुली द्वीप बना हुआ है, ठीक है, और बाद में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो सुंदरवन में बनता है, और बांग्लादेश में गंगा में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है, और गंगा किस में गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो यह सब चीज आपकी बात आती है ब्रह्मपुत्र। मेघालय, मेघालय में क्या है? तो विशेषतः बात है मासिनराम, मेघालय का जो मासिनराम है वो विश्व का सर्वाधिक वर्षा करने वाला राज्य है,
ठीक है, मिजोरम, मिजोरम में सर्वाधिक वन है और आदिवासी हैं, आदिवासी हैं, ठीक है। नागालैंड, नागालैंड में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है, जैसे अभी अभी गंगानगर में बताई थी उसी प्रकार से सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर है, नागालैंड, और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है ना वो कहां पर है, मेघालय। इस प्रकार से आपके सारी चीजें हमने बता दी, तो ये टोटल आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। पहला पहला क्वेश्चन, बलदेव बंगाल की खाड़ी, बिल्कुल। अब एक निशा मीना, मतलब सर आज ईद आखा तीज परशुराम जयंती, बोलो क्लियर है क्या, हो गया। अब आइए आगे, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। 100% नल कलेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला, 100% नल कलेक्शन का, नल, अब वही क्वेश्चन आ गया, नल कनेक्शन का करने वाला, नल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला केंद्र शासित राज्य है, पुडुचेरी, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बोलिए। पुडुचेरी, पंजाब और महाराष्ट्र, और या कौन सा हो गया 100%। तो अभी भी आपको बताया था और वो आप क्लियर हो सकते हो। देखो क्वेश्चन की डिजाइन आपको आनी चाहिए, डिजाइन। अभी वो भाई कह रहा था गोवा और वो सब ठीक है, अब मैंने गोवा यहां पे दिया ही नहीं, यहां पे दूसरी चीज दी है, तो ये आपको ध्यान देनी है, ये बता रहे हैं, क्योंकि ये बताया हुआ है मेरा, अभी वो जल जीवन मिशन से जुड़ जाएगा ये, और तो ये इसमें आ गया पुडुचेरी 100%। अब मैंने बोला केंद्र शासित प्रदेश तो पहला हो गया ये, प्रथम केंद्र शासित, और राज्य के रूप में ना, राज्य के रूप में अगर बोले तो ये भाई बता रहा था, तो गोवा और कौन सा हो गया, तेलंगाना, ये इस टाइप से आपका आता है। और तो ये टोटल टॉपिक जल जल जीवन मिशन से, जल जल जीवन मिशन से जुड़ जाएगा, इसमें हर घर में क्या होगी नल और हर घर में क्या होगा जल, ठीक है। तो ये टोटल आपका दूसरा क्वेश्चन, जिसके बारे में पहले हमारा डिस्कस हो चुका। तीसरा क्वेश्चन, लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो विराट कोहली, बाईचुंग भुटिया, आंद्रे अगासी और राफेल नडाल को 2021, बोलिए। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया, विराट कोहली, बाईचुंग भुटिया, आंद्रे अगासी और कौन है, राफेल नडाल। मयूरी मीणा चार डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बना है क्या, तेजवीर सिंह डी, डी बता रहे हैं, राफेल नडाल, मयूरी भी डी, तेजवीर सिंह डी, कविता खिंची डी, सभी लोग डी बता रहे हैं, तो डी आपका आंसर है। तो बहुत से सभी का आंसर का रुझान बिल्कुल सही आ रहा है, तो डी आएगा, ये लो। अब आइए, विराट कोहली आपके क्रिकेट से रिलेटेड हो गए, जो अभी हाल ही में आईसीसी बेस्ट प्लेयर में आए हैं, 10 में, 10 में बिल्कुल, और बाईचुंग भुटिया फुटबॉल से रिलेटेड हैं, फुटबॉल, जिनके नाम पे मणिपुर में फुटबॉल स्टेडियम बना है, और आंद्रे अगासी का संबंध भी आपका टेनिस से है, और राफेल नडाल का भी संबंध किससे है, टेनिस से। टेनिस विश्व का सबसे महंगा खेल है, जन्म स्थान टेनिस का, विंबलडन लंदन में है, जिसको टेनिस का मक्का मदीना बोलते हैं। और आगे आ जाइए, टेनिस का मक्का मदीना बोलते हैं, और आगे अपन बात करें तो टेनिस का जनक जो है वो WC बिंग्सफील्ड है, ये लो, ये टोटल आपके बारे में आते हैं। तो देखिए, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो बेसिकली राफेल नडाल को दिया गया, राफेल नडाल, ये तो आपका आंसर हो गया।
विराट कोहली क्रिकेट के हमारे क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, आईसीसी का बेस्ट प्लेयर, अभी आईसीसी ने बेस्ट प्लेयर के अवार्ड दिया जिसमें दुनिया के 10 बेस्ट प्लेयरों में इसकी इनकी गिनती आई है और जिसमें भारत के 3 थे, समझ गए क्या? बायचुंग भूटिया, बायचुंग भूटिया फुटबॉल से रिलेटेड है, मणिपुर में फुटबॉल स्टेडियम इनके नाम से बना है, ये पहला स्टेडियम नाम से बना है। आंड्रे अगासी टेनिस से रिलेटेड है, राफेल नडाल भी टेनिस से रिलेटेड है, टेनिस विश्व का सबसे महंगा खेल है और टेनिस का जो जन्म स्थान है वो विंबलडन लंदन है और जिसको टेनिस का मक्का मदीना बोलते हैं, और टेनिस का जो जनक है वो डब्ल्यूसी विंग्सफील्ड है, डब्ल्यूसी विंग्सफील्ड है। ये सारे के सारे इसके बारे में, तीसरा क्वेश्चन के बारे में बता दिया, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे चले। चौथा क्वेश्चन, हरम अल शरीफ और माउंट मंदिर का संबंध है, हरम अल शरीफ और माउंट मंदिर का संबंध है, हरम अल शरीफ एवं माउंट मंदिर का संबंध है, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, उत्तर एशिया, पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, उत्तर एशिया, हरम उल अल शरीफ और माउंट मंदिर का संबंध है, बोलिए। ममता मीना ए, मनोज कुमावत ए, कानू बी, तेजवीर सिंह बी और राहुल भी बी, चेतन भी बी, पूजा शर्मा बी, मयूरी मीना बी, सुगन मीना बी, महेंद्र सिंह बी, पूजा सेनी भी बी और कृष्ण नवारिया बी ए। कृष्ण नवारिया क्या है? ए, ये लोग बता रहे हैं, और कविता खिची बी। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा तो इन दिनों खूब चल रहा है और कल भी बताया था, ये पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया की सबसे, हरम उल शरीफ मुसलमानों का धार्मिक केंद्र है, धार्मिक स्थान है, और माउंट मंदिर जो है वो यहूदियों का धार्मिक स्थान है, और वो एक ही कैंपस में दोनों बने हुए हैं, कैंपस है इनका यरूशलम, और इस पर दावेदारी दोनों की होगी, बोलो, फिलिस्तीन और इज़राइल। अब इज़राइल फलस्तीन मुस्लिम और इज़राइल यहूदी, और फलस्तीन का आतंकवादी संगठन है वो हमास, कल बताया था, और ये परस्पर इनकी आपस में लड़ाई हो रही है जो आप देख रहे हैं रोजाना। तो ये देखिए, पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी समस्या है हरम उल अल शरीफ, मतलब मुस्लिमों का धार्मिक स्थान वहां पर बना हुआ है हरम उल शरीफ, और माउंट मंदिर वहां पर है यहूदियों का धार्मिक स्थान, यहूदियों का धार्मिक स्थान, ये दोनों ही यरूशलम में बने हुए हैं, एक ही कैंपस में बने हुए हैं। और अब फलस्तीन है ना, मतलब मुस्लिमों का केंद्र है, और इसराइल कौन सा है? हिंदुओं का। तो ये दोनों इस पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं, और फलस्तीन का जो आतंकवादी संगठन है वो कौन सा? हमास है, और अभी आपका एक दूसरे पर मिसाइल हमले कर रहे हैं, मिसाइल हमले कर रहे हैं जो आप देख रहे हैं। तो पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी क्या है? समस्या। तो ये आपको बताया जो चल रहा है इन दिनों। अगला पांचवा क्वेश्चन, स्वास्थ्य की बुनियादी सेवाओं के मामले में सबसे बेहतर शहर कौन सा आया है? स्वास्थ्य की बुनियादी सेवाओं के मामलों में सबसे बेहतर शहर कौन सा आया है? बोलिए, पुणे, अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलोर। पुणे, अहमदाबाद, दिल्ली और बेंगलोर, बोलिए, पुणे, अहमदाबाद, दिल्ली और बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, दिल्ली और बेंगलोर। स्वास्थ्य की बुनियादी सेवाओं के मामले में सबसे बेहतर शहर कौन सा है? पुणे, अहमदाबाद, दिल्ली और बेंगलोर। ए
ये बताया सबने बिल्कुल। तो स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी सेवाओं के मामले में पुणे सबसे पहला नंबर आया। कौन सा? पुणे। और मैंने आपको बताया था कि कोविड चाइल्ड सेंटर भी कहां पर खुला है? चाइल्ड केयर हॉस्पिटल भी कहां पर खुला है? पुणे में। समझ गए? हॉस्पिटल भी। और दूसरे नंबर पर आपका, सेकंड नंबर पर अहमदाबाद है और लास्ट नंबर पर दिल्ली है। ये लो, लास्ट नंबर पर। तो बुनियादी स्वास्थ्य की बुनियादी सेवाओं के मामलों में सबसे बेहतर शहर कौन सा है? तो पुणे है। और यहीं पर कल बताया था कि कोविड चाइल्ड केयर सेंटर पहला खुला है। कोविड चाइल्ड केयर सेंटर पहला खुला है और पुणे के बाद सेकंड नंबर अहमदाबाद का है और लास्ट किसका है? तो दिल्ली का है। ये टोटल आपका क्वेश्चन हो गया पांचवा। ठीक है, अब आइए आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। मनुष्य जितना ज्ञान के रंग में रंग गया हो, मनुष्य जितना ज्ञान के रंग में रंग गया हो, यह बात को, कोटेशन को समझना कि मनुष्य को ज्ञान में इंटरेस्ट आने लग जाता है तो उतना ही वो कर्म बेहतर होने लग जाता है। मतलब मनुष्य ज्ञान के मामलों में ज्ञान, मतलब मनुष्य को ज्ञान के मामले में मजा आने लगता है, इंटरेस्ट आने लगता है, तो उतना ही उसका कर्म के रंग में वो मिल जाता है। ज्ञान पहले होना चाहिए और इसीलिए ज्ञान के साथ ही क्या होना चाहिए? कर्म। बिल्कुल क्लियर है? तो ज्ञान जितना होगा, अब जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अब सामंत आपको बता, तीन चार क्लास है। अब पहली क्लास करंट अफेयर की, तो उसकी तैयारी भी करनी पड़ती है। दूसरी क्लास जिला दर्शन की तैयारी भी करनी पड़ती है, नोट्स भी बनाने पड़ते हैं। तीसरी क्लास आपकी इकोनॉमिक्स की ले रहा हूं, तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है, उसका भी नोट्स बनाना पड़ता है। तो कहने का मतलब पूरा दिन, तो जब आपको ज्ञान में आनंद आने लगता है तो कर्म ऑटोमेटिक होने लग जाते हैं। तो ये दोस्तों आज का